सोमवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इनकी अध्यक्षता में जिला नियोजन बैठक ली गई। इस बैठक पर भाजपा की ओर से बहिष्कार किया गया और महाविकास अघाड़ी विरोध में नारेबाजी की गई। इसको देख राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से भी आंदोलन का जवाब आंदोलन ने दिया गया। राष्ट्रवादी विधायक प्रकाश गजभिये इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रवादी की ओर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। गजभिये ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस पर भाजपा को कोई ध्यान नहीं है। सरकार ने पेट्रोल डीजल सिलेंडर गैस के भाव बढ़ा दिए हैं और जिसके वजह से आम नागरिक बहुत चिंतातुर हो गया है। महंगाई बढ़ गई है और परिवहन के भी चार्ज बढ़ा दिए गए। पूरा देश रो रहा है ये कब के यानी केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल और गैस के भाव कम कराती, और ये तो बात और अलग है। और दिल्ली के सरकार के सामने हमारे किसान भाई वहाँ बैठे, आज तक वहाँ पे 80 दिन हो गए, वहाँ पे आज तक पंतप्रधान मिलने गए नहीं है। और निश्चित तौर से सरकार ने वहाँ पे गरीब लोगों को, गरीब किसानों को वहाँ पे न्याय देना देने के लिए मिलना चाहिए और ये तुरंत पेट्रोल डीजल और गैस के दाम कम करना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन पूरा महाराष्ट्र में जारी रहेगा। त्याची बैठक असते वित्तमंत्री महोदय घेत असतात, या जिल्ह्याची जी काही मंजूर जो काही आराखडा आहे त्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्याची मागणी असते, त्याप्रमाणे मागणी जी आहे ती मागणी अधिकची अतिरिक्त मागणी ही दरवर्षी करायला लागते, त्यामुळे आणि त्याला गडचिरोलीला जास्तीत जास्त विशेष फेवर केलं पाहिजे, कारण हा आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त जिल्हा आहे आणि आपल्याला पूर्णपणे रोडचं कनेक्टिव्हिटी असेल, आरोग्य आहे, शिक्षण आहे, या सर्व ज्या काही ज्या दुर्गम भागामध्ये पोलिसांना जाण्यासाठी, ॲम्ब्युलन्स जाण्यासाठी ज्या काही यंत्रणांची आवश्यकता आहे ही मागणी तर करावंच लागते। ज्या पद्धतीनं डिझेलचे दरवाढ झाली, पेट्रोलची झाली, गॅसची झाली, गोड्या तेलाची झाली, महागाई वाढली, कंबरडं मोडतं गरिबाचं, त्या संदर्भात आंदोलन करण्याची आवश्यकता होती, पण विजेचं तुंतुणं वाजवून स्वतःचं पाप झाकण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाची मंडळी करत आहेत, म्हणून ही या सगळा दुपट्टीपणा आहे, हा दोगलेपणा आहे आणि ही बनवा बनवी आहे, याला जनता काही फारसा महत्त्व देणार नाही। धन्यवाद।